तो मनाली में नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी जो है सिसु वाटरफॉल। और यहाँ पे जो भी फ़िलहाल मौसम हो रखा है वो बहुत बढ़िया है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत ही प्यारी जिप लाइनिंग है यहाँ पे। ये जिप लाइन करके आप पार जा सकते हो और वहाँ ऊपर वाटरफॉल के पास भी जा सकते हो। अभी देखते क्या बनता है। फ़िलहाल हम अभी हैं सिसु में और यहीं पे हमारा अभी थोड़ा सा स्टॉप है। तो प्रिपेयर हो चुके हैं जिप लाइन के लिए और हार्नेस वगैरह डाली, सेफ्टी फुल गियर्स हो चुके हैं, बस घोबरों ना गिरे। होल्ड करने बहुत सही था, बहुत सही था। तो अभी वापस जाएंगे यहीं से, पहले ऊपर चलते हैं और मैं दिखा दूं मैं किस लिए आया हूँ ज़िपलाइन करके यहाँ पे। तो ये है सिसु का वाटरफॉल। तो अभी ऊपर जाते हैं, मैं अपने भाई का वेट करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है वीडियो। This was awesome. एक छोटा सा हॉल्ट लिया क्योंकि हम पानी भी नहीं पी के आए हैं और काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ रही है। फिलहाल काफ़ी कुछ ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, ट्रैक भी नहीं है, छोटी सी हाइक है। आधा घंटा लगेगा आपको ऊपर आने में ज़िप लाइन से। ऑलमोस्ट ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ चुकी है यार, बहुत सुंदर है। देखो तो ज़रा गोप्रो में बहुत दूर दिख रहा होगा, बाकी भाई रास्ता बहुत सीधा खड़ा है, टफ है थोड़ा सा। फिर फाइनली हम समिट तक पहुंच चुके हैं, सिसु वाटरफॉल तक। और फिलहाल आप करो एंजॉय थोड़े से शॉट्स और मैं ऊपर जा रहा हूँ क्लोज और शॉर्ट्स लेने। Thank you.
तो पहले तो यार आप ना ये वाला व्यू एंजॉय करो जो मैं अभी अपनी नेकेड आई से देख रहा हूँ। बहुत ही सही, बहुत ही ब्यूटीफुल हाइक है ये, ज़रूर करना चाहिए यार। मनाली आए ना तो थोड़ा सा ये भी एडवेंचर करना चाहिए। बहुत ही प्यारा लग रहा है, गोप्रो में बहुत दूर लग रहा होगा यार, तो मैं ना आईफोन पे कर लेता हूँ, वो सही रहेगा। तो मैं आ गया हूँ आईफोन पे, और आईफोन पे तो क्या बढ़िया फुटेज आ रही होगी ना। बहुत ही ब्यूटीफुल फॉल है यार। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो नीचे डोगरा फ्रॉम पर्वत। और अगर रील्स चेकआउट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि जिप लाइन बंद हो जाएगी और हमें वापस जाना है। और यहाँ से वापस जाने के लिए और यहाँ पर आने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है जिप लाइन। 4:30 बजे नीचे से आए थे और 4:57 पे हम ऊपर हैं। वर्थ है यार, वर्थ है। और ऊपर जाके मैं कुछ रील्स के शॉर्ट बनाऊंगा और वापस नीचे। तो यार ये है सिसु वाटरफॉल मेरे पीछे, और व्यू चेक करो यहाँ से। पानी के फुहार यहाँ तक आ रही है यार। जाने वाले नीचे वापस ज़िपलाइन की तरफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और ये व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मैं अभी फिलहाल चलता हूँ क्योंकि काफ़ी स्लीपर, बाकी लोग काफ़ी खड़े हैं यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए। तो चलते हैं, चल 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 चल। बहुत ही स्लिपर भरी है यहाँ पे जगह, बहुत मुश्किल से फोटोज़ कुछ शॉर्ट्स आए हैं। तो शॉर्ट्स इन्जॉय करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हो डोगरा फ्रॉम पर्वत। एंड हम अभी चलते हैं नीचे, चल। तो यार ऊपर जाने में करीब करीब आधा घंटा लगा था, और नीचे आने में कुछ 10 से 15 मिनट लगे होंगे, है ना। तो 15 मिनट में हम नीचे आ चुके हैं और वापस ज़िपलाइन की तरफ जा रहे हैं। मज़ा आ गया भाई, मस्ट डू है, मस्ट डू। थोड़ा टाइम निकाल के आना सिसु में, और ये ट्रैक ज़रूर करना।